गुड इवनिंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ डॉक्टर दीपक गर्ग सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा मैं जॉलॉजी पढ़ाता हूँ एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन चैप्टर लाइक एनी अदर लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अप्रॉक्सीमेटली थर्टी क्वेश्चन राइट और उसमें जो एन सी आर टी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे राइट अगेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एवरी ईयर टू टू थ्री क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं राइट एंड आई रियली होप कि लेक्चर के बाद आपको चैप्टर काफी हद तक समझ आ जाएगा और आपको एनसीआरटी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सो लेटर स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल वाई डे नोड एक्ट एज द नॉर्मल पेसमेकर कि नोडल टिश्यू के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कॉम्पोन एवी नोड है वो सभी सभी जो है ऑटो एक्साइटेबल होते हैं में impulse अपने आप जनरेट होती है सभी में डीपोलराइजेशन जो होता है वो अपने आप होता है बट फिर भी ऐसे नोड जो होता है वो पेसमेकर की तरह काम क्यों करता है फिर भी ऐसे नोड जो होता है वो पेसमेकर की तरह काम क्यों करता है बाकी एवी नोड क्यों नहीं कर सकता तो देखो द रीजन बिहाइंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज समझो यहां पे कि जितने भी कार्डियक मसल सेल्स होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कैसे कनेक्टेड होते हैं कि जैसे ये एक मसल सेल है मान लो स्कीमेटिक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ और ये दूसरी मसल सेल है दो मसल सेल हैं दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं दोनों के बीच में इंटर डिस्क होती है और इंटर डिस्क पे यहाँ पे होते हैं गैप जंक्शन यहाँ पे होती हैं गैप जंक्शन अगर सेल वन में ऊपर वाला जो सेल है अगर यहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो वो इन्हीं गैप जंक्शन की हेल्प से वो सेल टू तक भी आ जाता है वो सेल टू तक भी आ जाता है तो अगर सेल वन में कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो वो टू में भी आ रहा है इसके बाद वो थ्री में भी जा सकता है फोर में भी जा सकता है तो अगर यहाँ पे सेवनटी टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो सेल टू में भी कितना होगा सेवेंटी टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा यहां पर भी 70 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा अब देखो ऐसे नोड जो होता है आपका उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है 70 टू 75 टाइम्स पर मिनट अगर आप देखोगे एवी नोड तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली फोर्टी टू फिफ्टी टाइम्स पर मिनट अगर आप बंडल ऑफिज की देखोगे तो और कम होगी परकिंजे फाइबर्स की देखोगे और भी कम होगी तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है ऐसे नोड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है वो मैक्सिमम होती है तो अगर ऐसे नोड में सेवनटी टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो ऐसे नोड के जो आसपास के सेल्स हैं एट्रियल सेल्स हैं वेंट्रिकुलर सेल्स हैं उन सभी सेल्स में एक्शन पोटेंशियल कितनी बार जनरेट होगा सेवनटी टाइम्स उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कितनी बार होगा सेवनटी टाइम्स इन ए मिनट तो हम बोल सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है इसलिए ये पेसमेकर के जैसे काम करता है अगर मान लो कोई एक डिजीज कंडीशन है ये हार्ट का स्कीमेटिक डायग्राम है ये आपका राइट एट्रिया है यहाँ आपका लेफ्ट एट्रिया है यह आपका राइट वेंट्रिकल right है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है अगर मान लो यहाँ पे होता है ऐसे नोड आपका और यहाँ पर होता है एवी वी नोड आपका ये होते हैं अगर मान लो कोई एक डिजीज स्टेट है जिसमें एवी नोड की फ्रीक्वेंसी 90 हो गई ऐसे नोड की फ्रीक्वेंसी 70 है तो अगर आपसे पूछा जाएगा फिर पेस मेकर कौन होगा फिर पेस मेकर ए नोड हो जाएगा बट वो एक डिजीज स्टेट होगी वो कोई एक नॉर्मल स्टेट नहीं होगी वो कोई एक नॉर्मल स्टेट नहीं होगी वो एक डिजीज स्टेट होगी राइट तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही आपका पेसमेकर नॉर्मली ऐसे नोड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो फिर ऐसे नोड आपका क्या हो गया पेसमेकर हो गया राइट right? तो ऑप्शन देखते हैं ऐसे नोड हैज हाइएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन बिल्कुल सही है और इसीलिए ये पेसमेकर होता है ऐसे नोड हैज लोवेस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन सबसे कम होता है बिल्कुल गलत है ऐसे नोड इज द ओनली कॉम्पोनेट टू जनरेट थ्रेश होल्ड पोटेंशियल नो एक्शन पोटेंशियल कहीं भी जनरेट हो सकता है थ्रेश होल्ड पोटेंशियल कहीं भी जनरेट हो सकता है तो ये भी बिल्कुल गलत है द ओनली ऐसे नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू द अदर कॉम्पोनेंट नो कोई भी सेल जो है वो दूसरे सेल तक एक्शन पोटेंशियल कन्वे कर सकती है इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकती है क्यों क्योंकि सभी में गैप जंक्शन होते हैं क्योंकि सभी में गैप जंक्शन होते हैं इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नाउ वी कैन डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन स्पेशल नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिले द स्प्रेडिंग ऑफ इंपल्स टू हार्ट अटैक्स फॉर अबाउट जीरो पॉइंट वन सेकेंड दिस डिले अलाउ इसका क्या सिग्निफिकेन्स है देखते हैं एक बार राइट अपर कॉर्नर में यहां पर होता है एस ए नोड और लेफ्ट लोअर कॉर्नर यहां पर होता है ए वी नोड इम्पल्स तो यहीं से ही आती है इम्पल्स यहां से आती है फिर ए वी नोड से होते हुए वेंट्रिकल्स की तरफ जाती है और एवी नोड में क्या होता है यहां पर होता है ए वी डिले और ये जो एवी डिले है ये कितना होता है जीरो पॉइंट वन सेकेंड कितना होता है जीरो पॉइंट वन सेकेंड की ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है जीरो कहां पर लगता है एवी नोड में लगता है क्योंकि एवी नोड में गैप जंक्शन कम होते हैं तो इसलिए इंपल्स धीरे धीरे आगे जाती है तो इसलिए यहां पर एवी डिले होता है अब इसका क्या एडवांटेज है देखो मान लो ये एवी डिले नहीं होता मान लो ये एवी डिले नहीं होता तो क्या होता एट्रिया और ये जो एवी डिले है ये नहीं होता तो एट्रिया और वेंट्रिकल एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट करते ऊपर से एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं नीचे से वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा इनका प्रेशर बढ़ जाएगा यहां का, जाएगा। यहां का प्रेशर ज्यादा है ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्या ये नीचे ब्लड भेज पाएगा तो आंसर इज नो क्योंकि नीचे का प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है तो यहां का प्रेशर ज्यादा है ऊपर वाले का जो है जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नीचे ब्लड नहीं आ पाएगा बिकॉज प्रेशर ज्यादा है राइट right? तो इसलिए क्या होना चाहिए देर शुड बी लिटिल गैप देखो अब कार्डिक साइकिल का डायग्राम जो हम ड्रॉ करते हैं वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक बार इसमें दो सर्कल मैंने बनाए बाहर वाला सर्कल जो है वो वेंट्रिकल के लिए यूज़ करेंगे और अंदर वाला सर्कल जो है वो एट्रियल इवेंट्स के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कार्डिक साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है जीरो पॉइंट वन सेकेंड जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट सिक्स ज़ीरो पॉइंट सेवन एंड ज़ीरो पॉइंट एट ज़ीरो पॉइंट एट सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन क्या होगा सबसे पहले एट्री ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होगी और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 0.1 पॉइंट वन सेकंड के लिए फिर 0.1 पॉइंट सेकेंड में इंपल्स पहुंच जाएगी वेंट्रिकल्स तक तो फिर इसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 0.3 पॉइंट थ्री सेकंड तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 0.3 पॉइंट थ्री सेकंड तक अब इस मैकेनिज्म का एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज ये है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है डायग्राम देख के आप इजिली जूम कर सकते हो क्या हो रहा होगा जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जब कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहाँ का वॉल्यूम कम होता है वहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड को नीचे पुश कर देंगे और नीचे वेंट्रिकल में ब्लड आ भी जाएगा क्यों क्योंकि वेंट्रिकल्स तो रिलैक्स कर रहे हैं वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो वो ब्लड रिसीव कर रहे होंगे अब इसके बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होंगे तो फिर ब्लड आगे चला जाएगा उसके बाद ब्लड आगे चला जाएगा तो वो क्या रहा है देखो यहाँ पे ये पार्ट रिलैक्स कर रहा है ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ब्लड नीचे आ रहा है ब्लड नीचे आ गया एट्रिया पूरे खाली हो गए ब्लड नीचे आ गया अब इसके बाद नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड बाहर चला जाएगा अगर सारा एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा सारा पार्ट एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो उस केस में क्या होगा एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में तो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं राइट right? एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा वेंट्रिकल की प्रॉपर फीलिंग नहीं होगी एट्रिया जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं होंगे तो फिर वहां पे प्रॉपर जो है आपका सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा ब्लड का तो इस डिले का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पूरी तरह से खाली हो जाते हैं ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर उसके बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो फिर ब्लड आगे चला जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं दिस डिले अलाउ द एट्रिया टू एम्पटी कंप्लीटली तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ब्लड टू एंटर एरोटा इस टाइम पे तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं जब रिलैक्स कर रहे हैं तो ब्लड एरोटा में नहीं जाएगा ब्लड टू एंटर इनटू द पल्मोनरी आर्टरी जैसे एरोटा में नहीं जाएगा वैसे ही पल्मोनरी आर्टरी में भी नहीं जाएगा वेंट्रिकल्स टू एम्प्टी कंप्लीटली बिल्कुल गलत है वेंट्रिकल्स में तो ब्लड आता है वेंट्रिकल खाली नहीं होते इस टाइम पे दे रिसीव द ब्लड राइट तो ये भी ऑप्शन गलत रहेगा तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट नाउ वी कैन डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन इट इज मच इजियर फॉर स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर ए लार्ज एनिमल स्मॉल एनिमल के लिए किसी भी पहाड़ी पे या ऊपर चढ़ना आसान होता है एज कंपेयर टू लार्ज एनिमल ऐसा क्यों देखो अगर आप दो ऑर्गेनिजम को कंपेयर कर रहे हो स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड ए लार्ज ऑर्गेनिज्म दोनों में क्या फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है देखो इनमें क्या होता है बॉडी सर्फेस एरिया डिवाइडेड बाई बॉडी वेट बॉडी सर्फेस एरिया डिवाइडेड बाई बॉडी वेट छोटे ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सर्फेस एरिया उनके वेट के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है इनका कम होता है जिनका बॉडी सर्फेस एरिया रिलेटिवली ज़्यादा होता है उनका बी एम आर ज़्यादा होता है बेसल मेटाबोलिक रेट एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है और अगर एनर्जी ज़्यादा बनेगी तो आराम से दौड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे राइट right? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे एक बार द एफिशंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल इज लेस देन दैट ऑफ स्मॉल एनिमल्स बिल्कुल गलत है एफिशिएंसी जो होती है वो तो मसल्स में तो होती है तो ये तो गलत है इट इज ईजियर टू कैरी स्मॉल बॉडी वेट अब देखो ठीक है बॉडी वेट कम है बट मसल्स भी तो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे ठीक है तो वो तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनके मसल्स होंगे तो ऊपर लेके जाना भी उनके लिए कोई आसान काम तो नहीं होगा राइट right? तो ये ऑप्शन भी नहीं है स्मॉलर हैव हायर मेटाबॉलिक रेट ये ठीक है मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होती है इसीलिए इनमें एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है और अगर एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये इजिली ऊपर चले जाएंगे इनमें टायर्डनेस नहीं होगी स्मॉलर एनिमल्स हैव लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बिल्कुल गलत है दे हैव हायर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एज कंपेयर्ड टू द लार्ज ऑर्गेनिजम्स आपको कंपेयर करना है बॉडी वेट के को कंसिडर करते हुए राइट right? अब एक चीज याद रखो आप यहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनिजम है स्मॉल ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बी एम आर ज्यादा है उसमें एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो फिर उसमें रिलेटिवली ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी वो भी ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करने के लिए उसका जो हार्ट रेट है वो भी ज़्यादा होगी हार्ट रेट जो है वो भी ज़्यादा होगी अब आप कंपेयर कर सकते हो ए रैट ए ह्यूमन एंड एन एलिफेंट इनमें अगर आप देखोगे तो रेड सबसे छोटा है तो इसलिए इसकी बी सबसे ज़्यादा होगी एलिफेंट अगर आप देखोगे तो इसकी बी सबसे कम होगी रेड की बी ज़्यादा है तो फिर इसकी हार्ट रेट भी ज़्यादा होगी इसकी हार्ट रेट भी, भी कम होगी इसकी हार्ट रेट भी कम होगी दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट राइट अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट देखना है ब्लड प्लाज्मा सीरम लिम्फ इन सबसे रिलेटेड है तो देखो सबसे पहले ब्लड में क्या क्या होते हैं ब्लड अगर आप देखोगे तो ब्लड में सेल्स होंगे और प्लस मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो होता है उसे हम क्या बोल देते हैं प्लाज्मा और सेल्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स सेल्स को हम क्या बोल देते हैं फॉर्मड एलिमेंट्स और फॉर्मड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं आरबीसी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस प्लेटलेट्स प्लस प्लेटलेट्स तो यहां पे आप देखोगे प्लाज्मा प्लस आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है नेक्स्ट प्लाज्मा प्लाज्मा अगर आप देखोगे तो प्लाज्मा क्या होना चाहिए प्लाज्मा इक्वल्स टू ब्लड माइनस ब्लड सेल्स तो ब्लड सेल्स में आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स सभी बट यहां पे सिर्फ लिम्फोसाइट माइनस किया हुआ है तो ये गलत है लिम्फोसाइट नहीं आपको पूरे के पूरे ब्लड सेल्स माइनस करने पड़ेंगे राइट नेक्स्ट सीरम सीरम क्या होता है एनसीआरटी में गिवन है सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर यहां पे दिया हुआ है ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन ओजन क्लोटिंग फैक्टर भी होता है पूरा ब्लड बिल्कुल भी नहीं गलत ऑप्शन है ये भी राइट लिम्फ लिम्फ में क्या होता है देखो लिम्फ इक्वल्स टू ब्लड ब्लड में से क्या फिल्टर नहीं होता है आरबीसीज एंड लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स ये फिल्टर नहीं होते है. बाकी पूरा का पूरा पार्ट टिश्यू में चला जाता है जिसे हम क्या बोल देते हैं लिम्फ जिसे हम बोल देते हैं लिम्फ तो इसमें आरबीसीज नहीं होंगे और लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे प्लाज्मा होगा ठीक है आरबीसीज होंगे बिल्कुल गलत है तो ये ऑप्शन जो है वो भी आपका गलत रहेगा करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन

चलो फिर इसके बाद जो आर बनती है वो कहाँ पर बनती है लिवर में उसके बाद कहाँ पर बनेगी लिम्फ नोड्स में और अदर लिम्फोइड टिश्यू लाइक स्प्लीन इन सब में और फिर अल्टीमेटली लास्ट अडल्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आर का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है रेड बोन मैरो में आर का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है रेड बोन मैरो में तो सबसे पहले यूक्सैक बट वो ऑप्शन में नहीं है बट उसके बाद लिवर वो ऑप्शन में गिवन है तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहां पे आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एंड इनफैक्ट नॉट ओनली इरिथ्रोपोइसिस मीन्स आरबीसी फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइसिस मीन्स आरबीसी फॉर्मेशन तो अगर आप रेड बोन मेरो में देखोगे तो सिर्फ आरबीसी ही नहीं यहां पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सभी का फॉर्मेशन होता है यहां पे ना सिर्फ आरबीसी बल्कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सभी का फॉर्मेशन होता है यहां पे हीमोपोसिस होता है यहां पर हीमोपोसिस होता है राइट right? तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन गिवन बिलो इज द इसीजी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन विच ऑफ द इट कॉम्पोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है बेसिकली देखो सबसे पहले ईसीजी जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत बार क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछे जाते हैं कई बार सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार थोड़ा सा घुमा के भी सवाल पूछ लिया जाता है बट आपको एनसीआरटी की जो लैंग्वेज है वो प्रॉपरली आनी चाहिए राइट right? तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे राइट right? चलो एक बार देखते हैं कि ई जो है वो कैसे क्या कुछ होता है इसमें ईसीजी मतलब सबसे पहले ई की फुल फॉर्म फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम ईसीजी चीज़ फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ग्राफ पेपर आपने ईसीजी देखा होगा जनरली पिंक कलर का आता है अलग अलग कलर में आते हैं बट जनरली पिंक कलर का आता है जिसके ऊपर आपको कुछ कुछ लाइंस लाइंस दिखती है ग्राफ पेपर सा होता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दैट इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द कार्डियक मसल्स वो उसकी रिकॉर्डिंग है बेसिकली कि कार्डियक मसल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है जिस इक्विपमेंट से उसे हम ड्रॉ करते हैं बनाते हैं उस इक्विपमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ इक्विपमेंट को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अगर आप देखोगे तो यहां पे कुछ वेव्स होती हैं जैसे पी वेव है क्यू आर एस वेव है इसे हम पूरा का पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं फिर टी वेव है पी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को कि एट्रिया डीपोलराइज हुए हैं और इसके बाद एट्रिया जो है वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट्रिया जो है वो सिस्टोल में जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर आता है आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये डिनोट करता है वेंट्रिकुलर को और फिर इसके साथ जैसे क्यू वेव खत्म होती है उसके बाद हम बोल सकते हैं वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं सिस्टोल करते हैं करते हैं फिर टी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को और जैसे टी वेव खत्म होगी इसके बाद वेंट्रिकल्स जो हैं वो डायस्टोल में जाएंगे वेंट्रिकल जो हैं वो रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे इससे पहले यहाँ तक वेंट्रिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल जो हैं वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से लेके कर यहाँ तक अगर आप देखोगे तो एट्रिया जो हैं वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट्रिया जो हैं वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं राइट पॉइंट वन सेकेंड के आसपास राइट right. अब एक बार देखते हैं सारे ऑप्शन को पीक पी वेव एंड पीक आर वेव आर वेव पी वेव से सिस्टोलिक एंड आर वेव से डायस्टोलिक बीपी देखो आर वेव में तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सिस्टोलिक बीपी होता है वेंट्रिकल्स का डायस्टोल होता है तो डायस्टोलिक बीपी होता है डायस्टोलिक बीपी होता है तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये पी वेव है इसके बाद ये पूरा का पूरा क्या चल रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा है तो जब पी वेव होगा तो उस टाइम पे तो डायस्टोलिक बीपी होगा पी वेव के टाइम बोल रहे हैं सिस्टोलिक बीपी गलत है जब आर वेव होगी तो उस टाइम पे सिस्टोलिक बीपी होगा ये लोग बोल रहे हैं डायस्टोलिक बीपी तो फिर ये ऑप्शन आपका गलत है सेकेंड ऑप्शन पी पी वेव इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन बिल्कुल गलत है दोनों एट्रिया का contraction एक ही साथ होता है और दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन एक साथ होता है जब लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम पे राइट भी करेगा तो पी वेव में लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है बट इन्होंने लिखा हुआ है ओनली लेफ्ट है तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा एक बार फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं पीक पी वेव पीक पी वेव इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रेक्शन पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसा तो कभी होता ही नहीं है एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है ऐसा इवेंट दिया हुआ है जो कभी होता ही नहीं है तो ये जो ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग होगा अब देखो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है सिस्टोलिक बीपी सिस्टोल हो रहा है जब कार्डियक सिस्टोल होगा ये हार्ट है मान लो यहाँ से एरोटा राइज कर रही है इस तरह से स्कीमेटिक डायग्राम है समझने के लिए जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तो उस टाइम पे क्या होगा यहाँ से ब्लड आगे जाएगा ब्लड आगे जाएगा मतलब आर्टरीज में ब्लड जाएगा ये एक आल्ट्री है इसमें यहाँ पे बहुत सारा ब्लड आया है एंड वी ऑल नो कि आर्टरी जो होती है वो इलास्टिक होती है इलास्टिक होती है तो ये थोड़ी सी स्ट्रेच होगी जब यहाँ पे ब्लड आया तो ब्लड की वजह से थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी क्या होगी स्ट्रेचिंग होगी स्ट्रेचिंग हो गई इसके बाद ये ब्लड जो है वो आगे चला गया ब्लड आगे गया तो यहां का प्रेशर फिर से कम हो गया ये वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई वापस से जो आर्टरी जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई तो यहां पे क्या हो रहा है पहले हुआ है एक्सपेंशन और फिर हुई है रिकॉइलिंग पहले हुआ है एक्सपेंशन फिर हुई है रिकॉइलिंग और इस एक्सपेंशन और रिकॉइलिंग इसे हम क्या बोल देते हैं पल्स

क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वन कंप्लीट पल्स तो ये जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है तो यहां जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट तो आई होप ये जो चीज है ये सभी को समझ आई होगी नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द सेवेंथ क्वेश्चन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इंफॉक्शन मायोकार्डियल इंफॉक्शन शॉर्ट में लिखते हैं एम आई प्रोबेबली कॉस्ट ड्यू टू क्लोट्स इन कॉरोनरी आर्ट्री कोरोनरी आर्ट्री होते हैं हार्ट के जो वैसल्स होते हैं हार्ट के जो आर्ट्रीज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोरोनरी आर्ट्रीज तो कोरोनरी आर्ट्रीज में क्या है कोई क्लोट है उसको हॉस्पिटल लेके आए इज ब्रॉड टू दॉस्पिटल ही शुड इमीडिएटली बी गिवन क्या देना चाहिए हमें क्लोट बनाए तो हमें क्या देना पड़ेगा कोई क्लोट बस्टर एनजाइम देना पड़ेगा जो क्या करे क्लोट को डिजोल्व कर दे जो क्या करे एक लोड को डिजोल्व कर दे साइक्लोस्पोरिन ए ये एक ड्रग है जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है ये जो है वो क्या है एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके तो यहां पे कोई फायदा नहीं है ना एसेटाइल कोलिन ये क्या करता है ये हार्ट रेट को कम करता है ये हार्ट रेट को कम करता है तो उसकी भी सच यहां पे कोई जरूरत नहीं है पेनेसलिन जो है ये क्या है ये एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन क्या है एक एंटीबायोटिक है तो इसका भी यहां पे कोई यूज नहीं होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये क्या है ये एक क्लोट बस्टर एंजाइम है ये क्या करता है क्लूट को डिजोल्व करता है ये क्या करता है क्लोट को डिजोल्व करता है तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करोगे ये क्या क्या यूज करोगे स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करोगे अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेप्टोकाइनेज आप एक और ड्रग यहां पे यूज कर सकते हो नेम याद रखो आप दैट इज आर टीपीए राइट सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकाइने सेकेंड इज आर ये होता है रिकॉम्बिनेंट इसे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हो रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर टिश्यू प्लाज्मीनोजन एक्टिवेटर नेम से लग रहा है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बना है टिश्यूज में प्लाज्मीनोजन को एक्टिवेट करेगा नाउ व्हाट इज दिस प्लाज्मीनोजन प्लाज्मिनोजन एक नोजन मतलब इनएक्टिव है आर ये क्या करेगा इसको एक्टिवेट करेगा किस में में और प्लाज्मिन जो है वो क्या है एक फिब्रिनोलिटिक एजेंट है ये एक फिब्रिनोलिटिक एजेंट है ये क्या करेगा फाइब्रीन का लिटिक लिटिक मतलब ब्रेकडाउन फाइब्रीन का ब्रेकडाउन करेगा और अगर यहां पे फाइब्रीन का ब्रेकडाउन हो गया फाइब्रीन का क्या करेगा ब्रेकडाउन करेगा और अगर यहाँ पे फाइब्रीन का ब्रेकडाउन हो गया तो बहुत सिंपल है फाइब्रीन की वजह से होता है क्लोट फाइब्रीन की वजह से बनता है क्लॉट अगर आपने फाइब्रीन का ब्रेकडाउन कर दिया फाइब्रीन को तोड़ दिया तो वो क्लॉट डिजोल हो जाएगा वापिस से उस वो क्या हो जाएगा डिजोल हो जाएगा और अगर वो डिजोल हो गया मान लो ये एक आल्ट्री है इसमें यहां पर कोई क्लॉट बना यहाँ पे कोई एक क्लोट बना और आपने क्लोट बस्टर एंजाइम दिया कोई भी दिया स्ट्रेप्टोकाइन दिया आर दिया तो क्या होगा ये क्लोट डिजोल्व हो जाएगा और जैसे ही यह ये क्लोट यहाँ पे डिजोल्व हुआ वैसे यहाँ से ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी और जैसे ही ब्लड सप्लाई नॉर्मल होगी मायोकार्डियल इंफेक्शन के सिम्टम्स जो हैं वो रिलीव हो जाएंगे राइट तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आप एक आध चीज और याद रख सकते हो यहां पे जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हो इन्वेस्टिगेशन में सबसे सिंपल इन्वेस्टिगेशन तो होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या मिलेगा एस टी सेगमेंट इलिवेशन एस टी सेगमेंट जो है वो आपको इलिवेटेड मिलेगा कैसे इलिवेटेड मिलेगा नॉर्मली ये पी वेव ये क्यू आर एस एलिवेटेड मतलब नॉर्मली तो क्या होता है इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट होता है लेकिन ये स्ट्रेट नहीं होगा कैसे होगा R -wave, इस तरह से ये आपका एस टी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड है एस टी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड है तो इस तरह से आपको ईजीजी मिलेगी सेकेंड यहां पर आप कर सकते हो कोरोनरी एंजियोग्राफी ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है राइट right? इसमें आप जो कोरोनरी वैसल्स हैं उनको विजुअलाइज करते हो यूजिंग सम डाइज एंड सम स्कैन तो अभी के लिए सिर्फ आप नेम इसका याद रखो राइट right? ईसीजी और कोरोनरी एनजियोग्राफी आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकते हो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एक तो आप यहाँ पे क्लोट बस्टर एंजाइम दे सकते हो बट सपोज पर्सन जो है वो दस बारह घंटे के बाद आया है पर्सन जो है वो दस बारह घंटे के बाद आया तब तक जो क्लोट होता है ना वो परमानेंट हो जाता है फिर आप उस क्लोट को डिजोल्व नहीं कर सकते हो फिर आप उस क्लोट को डिजोल्व नहीं कर सकते हो और अगर आप क्लोट को डिजोल्व नहीं कर पा रहे हो तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है तो फिर एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होता है क्लोट बस्टर एंजाइम के साथ साथ पी टी पर क्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी सॉरी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी तो यहाँ पे आप वैसल को रिपेयर कर सकते हो एंजियोप्लास्टी मीन्स वैसल को रिपेयर कर सकते हो आप वहाँ से स्टेंटिंग करते हो साथ में बैलूनिंग कर सकते हो और जो भी क्लोट है आप उसे वहां से हटा सकते हो तो आप पीटीसीए कर सकते हो और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होता है सी ए बी जी कोरोनरी आर्ट्री बाईपास ग्राफ्टिंग कोरोनरी आर्ट्री बाईपास ग्राफ्टिंग की सपोज कोई पर्सन है उसकी एक बहुत बड़ी वेसल है राइट right. जो पूरी की पूरी ब्लॉक है तो अब वहाँ पे ना तो आप एनजीओ प्लास्टिक कर सकते हो ना वहाँ पे आप स्टैंडिंग कर सकते हो ना ही वहाँ पे आप बैलूनिंग कर सकते हो तो उस केस में आप क्या करते हो एक दूसरी वैसल लेते हो और उस वैसल को वहाँ पे लगा देते हो जैसे कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कोई एक वैसल ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक कोई एक वैसल ब्लॉक है तो फिर आप क्या करोगे एक और वैसल, वैसल लोगे और उसे यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दोगे इस तरह से उसको आप यहाँ से यहाँ तक इस तरह से कनेक्ट कर दोगे तो ब्लड जो है वो अब यहाँ से होते हुए और इस तरह से चला जाएगा ब्लड जो है वो अब यहाँ से होते हुए इस तरह से साइड से चला जाएगा तो ये होता है आपका कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग ये कर सकते हो तो टोटली totally एम के, के केस में इन्वेस्टिगेशन में आप ईसीजी कर सकते हो आप कोरोनरी एनजियोग्राफी कर सकते हो ट्रीटमेंट के लिए आप क्लोट बस्टर एंजाइम दे सकते हो जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है आर है आप पीटीसीए कर सकते हो पर क्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एनजियो प्लास्टी विद और विदाउट स्टेंटिंग एंड बेलूनिंग राइट और आप कर सकते हो वहां पे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहता है वो हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज आर ये सब रहता है अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हम पी करते हैं सी सी आजकल बहुत ही कम किया जाता है राइट चलो आफ्टर दिस वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट वेरी गुड क्वेश्चन इफ हार्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड प्लेस्ड इन न्यूट्रिएंट मीडियम आपने हार्ट को बॉडी से निकाल लिया और किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दिया तो फिर अब क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट है तो फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है यहां पे ऑटो एक्साइटेबिलिटी होती है ऑटो एक्साइटेबिलिटी प्रेजेंट होती है तो ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसी इंपल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप इसे निकाल के बाहर भी रख दोगे तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बट द पॉइंट इज कि अब ऑप्शन देखो हार्ट रेट इंक्रीजेस 100 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट डिक्रीजिज रैपिडली हार्ट रेट रिमेन अनचेंज एंड हार्ट स्टॉप्स बीटिंग क्या होगा हार्ट रेट बढ़ेगी कम होगी बिल्कुल जीरो हो जाएगी या सेम रहेगी देखो नॉर्मली जो हम हार्ट रेट जिसकी हम बात करते हैं सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव पर मिनट इसके लिए कंडीशन क्या है ये रेस्टिंग स्टेट की है रेस्टिंग स्टेट में ऐसा होता है अब अगर आप देखोगे रेस्टिंग स्टेट में पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होता है रेस्टिंग स्टेट में पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होता है इसके इफेक्ट की वजह से ये 72 टू होता है इफ यू रिमूव द इफेक्ट ऑफ पैरा नर्वस सिस्टम सिंपल सी बात है दो होते हैं सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ाता है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को कम करता है इसने हार्ट रेट को कम करके उसे 72-75 किया हुआ है अगर आप पैरासिम्पेथेटिक के इफेक्ट को हटा देते हो तो अब ये कम नहीं होगा 72-75 नहीं होगा बढ़ जाएगा बढ़ के कितना हो जाएगा 100 टू 110 पर मिनट बढ़ के कितना हो जाता है 100 टू 110 पर मिनट हार्ट हमारी बॉडी में है रेस्टिंग स्टेट में पैरासिंपेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट है और अगर इफेक्ट है तो हार्ट रेट थोड़ी सी कम रहती है जैसे ही आपने उसे बॉडी से निकाल के बाहर रखा जैसे ही आपने उसे निकाल के बाहर रखा क्या होगा पैरासिंपेथेटिक का नवर, जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा जैसे वो इफेक्ट खत्म होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी हार्ट रेट कितनी हो जाएगी हंड्रेड टू वन टेन तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग बिल्कुल भी नहीं ऐसा किस केस में होता है ऐसा होता है न्यूरोजेनिक हार्ट के केस में ऐसा होता है न्यूरोजेनिक हार्ट के केस में में जैसे कि कॉकरोच अगर उसमें अगर आप हार्ट को निकाल के बाहर रखोगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स नहीं आएगी और अगर इंपल्स नहीं आएगी तो हार्ट विल स्टॉप बीटिंग तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता अगर हम कॉकरोच के हार्ट की बात करते राइट तो ये चीज आप यहां पे याद रख सकते हो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन था चलो यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन इफ द हार्ट साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग दे आर सुपर होगा देखो uh, पहले मैं ईसीजी ड्रॉ कर देता हूं एक बार पी वेव है यहां पे आपकी आर वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये आपका टी वेव ये आपके टी वेव पी वेव ये आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये आपकी टी वेव हार्ट साउंड के लिए एक बार मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं कार्डियक साइकिल का डायग्राम चलो uh, Here we can draw a small diagram of art. देखो सबसे पहले ऐसे नोड से इंपल्स आती है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर एवी नोड को क्रॉस करके इंपल्स आती है वेंट्रिकल्स तक तो फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां का प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर जब बढ़ेगा तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये वेल्व क्लोज होंगे जब ये वेल्व क्लोज होंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज होंगे तो फिर आपको हार्ट साउंड वन सुनाई देगी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा ब्लड ऊपर की तरफ जाना चाहेगा बट जा नहीं पाएगा क्यों क्योंकि ये वेल्व क्लोज हो जाएंगे जब ये वेल्व क्लोज होंगे तो यहाँ पे आपको सुनाई देगी हार्ट साउंड वन जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो हार्ट साउंड वन सुनाई देगी ठीक है कॉन्ट्रेक्शन सेकेंड पे आ गए क्या होगा हार्ट रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा जब रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा जब रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा ये पार्ट रिलैक्स करना स्टार्ट कर रहा है जब रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या होगा कम हो जाएगा वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो जाएगा और जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होगा जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम होगा तो एरोटा से ब्लड वापिस जाना चाहेगा पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापिस जाना चाहेगा बट वापिस जा नहीं पाएगा क्यों क्योंकि आपके एरोटिक वेल्व हैं वो क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे एरोटिक वेल्व पल्मनरी वेल्व सेमिलोनर वेल्व जो चाहो आप बोल सकते हो ये क्या होंगे क्लोज हो जाएंगे और जैसे ये क्लोज होंगे तो यहां पे आपको सुनाई देगी हार्ट साउंड टू जब कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है तो हार्ट साउंड वन सुनाई देती है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है तो हार्ट साउंड टू सुनाई देती है अब आप देखोगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के साथ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के साथ आपका डिपोलराइजेशन होगा और फिर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कहीं आपको हार्ट साउंड वन सुनाई देगी ठीक है जब यहां तक कॉन्ट्रेक्शन होता है इसके बाद रिलैक्सेशन होता है तो जब रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा टी वेव के बाद

ये भी गलत है ड्यूरिंग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो ये सही है कि जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा तो उस टाइम पे कॉन्ट्रेक्शन शुरू होगा तो उसी टाइम पे आपको हार्ट साउंड वन सुनाई देगी तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन इट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स किए थे एसीजी का कॉन्सेप्ट था साथ में आपके हार्ट साउंड का कॉन्सेप्ट था कार्डिक साइकिल का कॉन्सेप्ट था मिक्स करके एक अच्छा क्वेश्चन था राइट आई होप इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सभी को समझ आया होगा राइट right? कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन विच ऑफ दिन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्डिय साइकिल ऑफ ह्यूमन हार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है यहां पर इन करेक्ट स्टेटमेंट राइट तो वन बाई वन सारे स्टेटमेंट को देखते हैं ऑरिकुलर uh, डायस्टोल पहले एक बार मैं कार्डियक साइकिल का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं सी ओरिकुलर डायस्टोल इज फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर डायस्टोल विच इज देन फॉलोड बाय साइमटेनियस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ऑल चैम्बर साइमटेनियस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ऑल चैम्बर ऑफ द हार्ट सारे चैम्बर का एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं है शेडिड एरिया जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है और बाकी का जो एरिया है वो आपका रिलैक्सेशन है वो आपका रिलैक्स relax, रिलैक्सेशन है अंदर वाला एट्रिया और आउटर सर्कल वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रेक्शन तो ही नहीं रहा है यहाँ एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन खत्म हो गया उसके बाद वेंट्रिकुलर हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन दोनों में आपका ओरिकुलर डायस्टोल पीछे से यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल तो थोड़ा सा पार्ट ओवरलैप कर रहा है तो ये सही है ओरिकुलर सिस्टोल इज फॉलोड बाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच इज देन फॉलोड बाई डायस्टोल ऑफ ऑल चैम्बर ऑफ द हार्ट ओरिकुलर सिस्टोल ओरिकुलर सिस्टोल इज फॉलोड बाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल फॉलोड बाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल विच इज देन फॉलोड बाई डायस्टोल ऑफ ऑल चैम्बर ऑफ द हार्ट उसके बाद सारे चैम्बर्स का डायस्टोल हो रहा है तो ये भी बिल्कुल सही है ऑरिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल नेवर ओवरलैप बिल्कुल सही है दोनों जो होते हैं सिस्टोल कभी ओवरलैप नहीं करता है पहले ओरिकल का होता है बाद में वेंट्रिकल का होता है तो ये भी ऑप्शन सही है तो यहां पे आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन right? तो याद रखो एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो 0.1 पॉइंट सेकेंड के लिए होता है और एट्रिया का डायस्टोल जो होता है वो 0.7 पॉइंट सेकेंड के लिए होता है सिमिलरली वेंट्रिकल्स का सिस्टोल जो होता है वो कितने टाइम के लिए होता है 0.3 पॉइंट सेकेंड के लिए होता है और डायस्टोल जो होगा वो रिमेनिंग 0.5 पॉइंट सेकेंड के लिए होगा और ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ओवरलैपिंग रीजन मतलब जॉइंट डायस्टोल जिस टाइम पे एट्री और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल कर रहे हैं तो वो होता है जीरो पॉइंट फोर सेकेंड वी टोटल सर्कल पॉइंट एट सेकेंड तो आधा सर्किल पॉइंट फोर सेकेंड पॉइंट फोर सेकेंड के लिए होता है राइट तो ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रख सकते हो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11 सेलेक्ट द डिजीज एंड सिम्टम्स व्हिच इज इनकरेक्टली डिस्क्राइबड इनकरेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखना है देखते हैं वन बाय वन एंजाइना पेक्टोरिस इज द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ हार्ट कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर चेस्ट पेन पॉसिबली ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट देखो एंजाइना एंजाइना मतलब पेन एंजाइना मतलब पेन पेक्ट पेक्टोरिस मतलब पेक्टोरल रीजन में पेक्टोरल रीजन आपका चेस्ट रीजन है तो ये बेसिकली क्या है चेस्ट पेन है चेस्ट पेन क्यों होता है अगर हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो फिर वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और जब वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा और हमें पता है लेक्टिक एसिड की वजह से फटीक होता है लेकिन एसिड की वजह से पेन होता है की वजह से पेन होता है तो एंजाइना पैक्टोरिस हो सकता है ये तो सही ऑप्शन है क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा हुआ है वेन हार्ट मसल्स दे आर सडनली डैमेज बाई इन एडिकुएट ब्लड सप्लाई दिस कंडीशन इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट अगर यहां पे कंटिन्यूसली एनरोबिक रेस्पिरेशन होता रहा तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा ब्लड सप्लाई और भी कम हो गई ब्लड सप्लाई और भी कम हुई और ज्यादा एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ और फिर सेल्स में एटीपी नहीं बनेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एटीपी बनते हैं एटीपी नहीं बनेंगे क्या होगा सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी और जब मायोकार्डियल सेल्स की डेथ स्टार्ट होगी मायोकार्डियम की डेथ होती है तो उसे हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और हार्ट अटैक उसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इन्होंने बोला है कार्डियक अरेस्ट बिल्कुल गलत है कार्डियक अरेस्ट नहीं बोलते क्या बोलते हैं हार्ट अटैक बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कार्डियक अरेस्ट इज एक्चुअली द कंप्लीट एंड परमानेंट स्टॉपेज ऑफ हार्ट हार्ट ने काम करना बंद कर दिया बिल्कुल हार्ट रेट जीरो हो गई तो वो होता है आपका कार्डियक अरेस्ट राइट यहां पे आपको हार्ट रेट कितनी मिलती है जीरो और जनरली ये जो तो होता है वो कंडक्शन सिस्टम का डिफेक्ट होता है ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है ऐसा कोई रीजन हो सकता है जो आपका कंडक्टिव सिस्टम जो है उसका डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है जनरली कार्डियक अरेस्ट होता है रीजन कोई भी हो सकता है तो थर्ड ऑप्शन जो है वो भी आपका यहां पे क्या होगा सही नेक्स्ट व्हेन हार्ट मसल फेल टू पंप अमाउंट ऑफ ब्लड एज रिक्वायर्ड बाय द टिश्यू द कंडीशन इज नोन एज हार्ट फेलियर क्या होता है कि सपोज पास पासिंग के लिए 35 परसेंट मार्क्स चाहिए बट अगर किसी के 35 नहीं आए तो फिर हम क्या बोलते हैं द पर्सन इज फेल्ड इन दैट एग्जाम बोल सकते हैं कि एग्जाम बच्चा फेल हो गया वैसे ही हार्ट का क्या काम है हार्ट का काम है ब्लड पंप करना अगर हार्ट सफिशियंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं करेगा तो हम क्या बोल देंगे हार्ट फेल हो गया एज सिंपल एज दैट ये जो है ये भी आपका एकदम सही ऑप्शन है तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कार्डियक अरेस्ट नहीं बोलते उसे हम क्या बोलते हैं हार्ट अटैक बोलते हैं उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन है नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द इलेवेंथ ट्वेल्थ क्वेश्चन ट दॉसिबिलिटी ऑफ इरिस्टो देखो इलास्टो में क्या होते हैं फिटल आरबीसी गेट डिस्ट्रॉयड कोई भी आरबीसी जो होते हैं वो बेसिकली एक आर एच इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से होता है क्या मतलब है ये आर एच इनकम्पेटिबिलिटी का देखो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के लिए किसी सेल के डिस्ट्रक्शन के लिए आपको एंटीजन भी चाहिए और आपको एंटीबॉडी भी चाहिए आपको एंटीबॉडी भी चाहिए दोनों चीजें चाहिए किसकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है RBC. तो RBC पर एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए कौन सा एंटीजन आरएच एंटीजन और जब आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ये जो बच्चा है ये कैसा होगा आरएच पॉजिटिव तो फीटस शुड बी आर एच पॉजिटिव फीटस शुड बी आर एच पॉजिटिव बच्चे में क्या है एंटीजन है। एंटीबॉडी जो आती है वो कहां से आती है मदर से आती है एंटीबॉडी कहां से आती है मदर no अगर होता है तो वह डिजीज है अगर कोई सेल्फ एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होता है और फॉरन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है नाउ आई एम सेइंग कि मदर में एंटीबॉडीज बन रहे हैं, मदर में आरएच एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा है मदर में आरएच एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रहा है आरएच एंटीबॉडी फॉर्मेशन कब होगा जब फॉर मदर आरएच एंटीजन इज बोलो आर एच एंटीबॉडी फॉर्मेशन कब होगा जब आर एच एंटीजन फॉरन एंटीजन होगा मदर में आर एच एंटीजन एबसेंट है नहीं है इसीलिए तो फॉरेन है भाई आरबीसी की सरफेस पे आर एच एंटीजन नहीं है इसीलिए तो वो मदर के लिए फॉरेन एंटीजन है तो आर एच एंटीजन एबसेंट होगा मतलब मदर जो है वो आर एच नेगेटिव होगी मदर जब आरएच नेगेटिव होगी तभी इसमें एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो सकता है अगर मदर आरएच पॉजिटिव है तो फिर वहां पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं हो सकता तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर एच नेगेटिव मदर एंड आर एच पॉजिटिव फीटस करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर थर्टीन द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुप इज ए बी ओ ग्रुपिंग इट इज नेम्ड ए बी ओ नॉट ए बी सी बिकॉज ओ इन दिस रेफर टू हैविंग देखो ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करें ए बी ओ सिस्टम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं एक होता है ए एक होता है बी एक होता है ए बी और एक होता है ओ अगर ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंटीजन मिलता है आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन मिलता है एंटीजन ए बी के केस में कौन सा एंटीजन मिलता है एंटीजन बी ए बी केस में एंटीजन ए बी मिलता है और एंटीजन बी भी मिलता है दोनों मिलते हैं और ओ के केस में कोई एंटीजन नहीं मिलता इसीलिए जीरो नील तो बोल देते हैं ओ ठीक है एंटीबॉडी याद रखो एंटीबॉडी जो होती है वो प्लाज्मा में होती है फर्स्ट ऑफ ऑल और एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन होता है वो फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट होता है एंटी बॉडी का फॉर्मेशन फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट होता है सेल्फ एंटीजन अगर कोई होता है तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनती अब सपोज मान लो कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए तो इसमें ए एंटीबॉडी तो ए एंटीजन तो होता है तो ये तो इसका सेल्फ एंटीजन हो गया तो ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी किसके अगेंस्ट बनेगी बी के अगेंस्ट एंटी बी इसके लिए सेकेंड पर्सन के लिए बी जो है वो सेल्फ एंटीजन है तो यहां पर एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी ए के लिए यहां पे दोनों ही सेल्फ एंटीजन है तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी और यहां पे अगर आप देखोगे तो कोई एंटीजन सेल्फ एंटीजन नहीं है तो यहां पे एंटी ए भी बनेगी और एंटी बी भी बनेगी दोनों एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा पे राइट तो ओ क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है निल एंटीजन कोई एंटीजन नहीं है देखते हैं नो एंटीजन ऑन ए एंड बी ये ठीक है ए एंड बी ऑन आरबीसी अदर एंटीजन बिसाइड ए एंड बी तो ये गलत है अदर एंटीजन कोई भी एंटीजन यहाँ पे नहीं होता है देन ओवर डोमिनंस ऑफ दिस टाइप ऑन द जीन ए एंड बी नो ए एंड बी जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं ठीक है यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा जीन नहीं है राइट ओ जीन कोई नहीं होता है यहाँ पर तो गलत है ये देन वन एंटीबॉडी ओनली इधर ए और एंटीबॉडी बी ऑन आर बी सी सर्फेस एंटीबॉडीज़ तो आर बी सी की सरफेस पे नहीं होते हैं वो तो प्लाज्मा में होते हैं वो तो प्लाज्मा में होते हैं इसलिए ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन राइट यू कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डा टेंडनी ऑफ द ट्राइक स्पीड वेल्व ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल कोर्डा टेंडनी ऑफ ट्राई कस्पिड वेल मतलब ट्राई कस्पिड वेल्व जो है वो अब नॉर्मल काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके कोर्डा टेंडनी जो है वो डैमेज है तो क्या होगा बहुत आसान है देखो आ, ये आपका हार्ट है स्मॉल यहां पे होता है ट्राइक स्पीड वेल्व और यहां पर होता है बाइक स्पीड होता है बाइक स्पीड वेल और यहां पर होता है ट्राइक स्पीड वेल देखो ट्राइक स्पीड वेल्व अगर डैमेज होगा तो यहां से बैक फ्लो होगा जिस ब्लड को यहां से पल्मोनरी आर्टरी में जाना था जब ये राइट right वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है वो ब्लड किस में चला जाएगा राइट right एट्रिया में चला जाएगा कहां चला जाएगा राइट right एट्रिया में चला जाएगा राइट राइट एट्रिया का इनलार्जमेंट होगा जिस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में जाना था वो कहां चला गया राइट right एट्रिया में तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो जो है वो आपका कम हो जाएगा ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो 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 बिल्कुल सही। ऑप्शन है। है, है। लेफ्ट साइड में होती है, तो ये तो गलत है. इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा देश विल स्टॉप वर्किंग इमीडिएटली जो है वो पेसमेकर क्यों काम करना बंद करेगा पेसमेकर तो कंडक्टिंग सिस्टम से रिलेटेड है तो ये जो है ये भी गलत है लेफ्ट एट्रीय नो इन टू द राइट एट्रियम टू द राइट एट्रियम, नॉट लेफ्ट एट्रियम। तो इसलिए तो आसान तो क्वेश्चन है आप कर सकते हो क्वेश्चन में पूछा हुआ है डायग्राम गिवन हेयर इज द स्टैंडर्ड ईसीसन दी वेव रिप्रेजेंट आपको पता है कि पी वेव जो है वो किसे रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन उसके बाद होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वी कैन से सिस्टोल दोनों जो होते हैं वो एक ही साथ होते हैं दोनों एट्रिया राइट right एंड लेफ्ट एट्रिया दोनों का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है सिस्टोल होता है वो एक ही साथ होते हैं एंड ऑफ सिस्टोल नो आपका एंड ऑफ सिस्टोल अगर कुछ नहीं बोला गया है ना तो आप मानते हो वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल टी वेव के बाद एंड होता है पी वेव के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया बिल्कुल सही है ये राइट right, दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन होगा इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन ये तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के साथ होता है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल कुछ नहीं बोला गया है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल मानो और सिस्टोल की जो बिगनिंग होती है वो भी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के टाइम ही होती है तो ये जो है ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू करेक्ट आंसर ऑप्शन टू बी ऑप्शन नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाउ डू पैरा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट देखो कार्डियक एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो कॉम्पोनेंट सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कार्डिक एक्टिविटी को बढ़ाता है ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है हार्ट ज़्यादा खूब फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी ज़्यादा होता है और जो कंडक्शन जो इंपल्स फ्लो होता है उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है पैरासिम्पेटिक में सब कुछ बिल्कुल अपोजिट होगा हार्ट रेट कम होगा स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा कार्डियक आउटपुट कम होगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल डिक्रीज होगा और कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स यहां पे डिक्रीज होगी राइट right, सारी चीजें यहां पे होती है एक चीज आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हो मान लो हार्ट रेट 72 है तो ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल कितना आएगा 60 सेकंड में 72 टाइम्स आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाता है 0.8 पॉइंट सेकेंड अब मान लो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हार्ट रेट बढ़ गई और ये बढ़ के हो गई 100 तो ड्यूरेशन कितना आ जाएगा हें... सिक्सटी बाई हंड्रेड सोल्व करोगे जीरो पॉइंट सिक्स सेकेंड तो जब हार्ट रेट बढ़ती है तो फिर ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल आपका क्या हो जाता है कम हो जाता है और यहां पे ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डियक साइकिल जो है वो आपका बढ़ जाएगा यहां पे बढ़ जाएगा तो देखते हैं एक एक करके ऑप्शन पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है हार्ट रेट स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन वेलोसिटी को कम करेगा ड्यूरेशन को बढ़ाएगा रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट बिल्कुल सही है हार्ट रेट इज इंक्रीज बिल्कुल गलत है डिक्रीज बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट इंक्रीज बिल्कुल गलत है डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज बट कार्डे आउटपुट इंक्रीज बिल्कुल गलत है कार्डे आउटपुट भी डिक्रीज होगा सिंपल सी बात है कार्डिक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इन टू द हार्ट रेट जब हार्ट रेट बढ़ रही है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नेक्स्ट वी कैन डिस्कस क्वेश्चन नंबर ब्लड प्रेशर इन डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं स्कीमेटिक डायग्राम और यहां से एरोटा जाती है देखो एरोटा में प्रेशर ज्यादा कब होगा बहुत सिंपल सी बात है जब यहां पे ज्यादा ब्लड होगा जब ब्लड यहां पे ज्यादा होगा तो उस ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा होगा ब्लड ज्यादा कब होगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो वो ब्लड को आगे पुश कर देंगे तो फिर यहां पे ब्लड ज्यादा होगा तो उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा मैं बोल सकता हूं जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो फिर उसकी वजह से क्या होगा एरोटा में प्रेशर ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा बढ़ जाएगा देखते हैं डायस्टोल ऑफ राइट वेंट्रिकल एरोटा पे राइट right वेंट्रिकल का एस सच कोई इंपैक्ट नहीं होगा डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं होगा सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल बिल्कुल सही है सिस्टोल जब होगा तो चैम्बर का वॉल्यूम कम होगा वॉल्यूम जब कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड जो है ये पंप करेगा एरोटा में तो एरोटा में ज्यादा ब्लड जाएगा तो एरोटा का प्रेशर बढ़ जाएगा देन डायस्टोल ऑफ राइट एट्रियम इसका भी कोई रिलेशन नहीं है डायस्टोल के टाइम तो जो है प्रेशर कम रहते हैं सिस्टोल ऑफ लेफ्ट एट्रियम तो एट्रिया का यहां पे भी कोई रिलेशन नहीं होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन टू करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे हैं दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे है तो देखो सिंपल सा मतलब है इसका डबल सर्कुलेशन इनका इसका सिंपल मतलब है इस लैंग्वेज का कि डबल सर्कुलेशन कहा मिलता है देखो फिशिज वर्टिब्रेट्स की हम बात करेंगे fishes, में सर्कुलेशन कैसे होता है ये हार्ट है उनका एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल जो बॉडी टिश्यूज हैं, वहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आता है यहां से वेंट्रिकल में वेंट्रिकल से वो चला जाता है किसमें? गिल्स गिल्स में। Gills में ऑक्सीजनेशन के बाद कहां पर टिश्यूज में तो ये होता है आपका सिंगल सर्कुलेशन क्यों क्योंकि ब्लड एक ही बार जो है ना सर्कुलेट कर रहा है कहां से हार्ट से फिर अगर हम बात करें एम्फीबिया रेप्टीलिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स क्रोकोडाइल्स को छोड़ दो क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स वगैरह को छोड़ दो क्या होता है हार्ट होता है थ्री चैम्बर्ड एक होता है राइट right एट्रिया एक होता है राइट वेंट्रिकल सॉरी लेफ्ट एट्रिया और एक होता है वेंट्रिकल एक होता है वेंट्रिकल क्या होता है जो ऑर्गन है टिश्यूज हैं वहां से ब्लड आता है राइट right एट्रिया में कैसा डी ऑक्सीजनेटेड जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है

सर्कुलेशन किसमें मिलता है एम्फीबिया एंड रेप्टीलिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स अगर हम बात करें क्रोकोडाइल्स बर्ड्स एव्स और मैमल्स और मैमल्स तो इन सब में क्या होता है देखो इन सब में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से एक होता है राइट right एट्रिया होता है लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो बॉडी टिश्यूज हैं बॉडी टिश्यू से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें जाता है राइट right एट्रिया में यहां से आएगा राइट right वेंट्रिकल में राइट right वेंट्रिकल से यह ब्लड किसमें जाता है लंग्स में कहा जाता है लंग्स में लंग्स में जाके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसमें आता है लेफ्ट एट्रिया में फिर ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें जाता है टिश्यूज में तो देखो एक सर्कुलेशन है टिश्यू टू हार्ट हार्ट टू टिश्यू दूसरा सर्कुलेशन है लंग्स टू हार्ट एंड देन हार्ट टू लंग्स दो सर्कुलेशन है वाला, टिश्यूज वाला जो सर्कुलेशन होता है इसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और जो लंग्स वाला सर्कुलेशन है इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन तो दो सर्कुलेशन है यहाँ पे एक सिस्टमिक और एक पल्मोनरी। क्रोकोडाइल्स एव्स एंड मैमल्स में मिलता है यही पूछा गया फ्रॉग जो है वो किस में आता है एम्फीबिया में आता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलेगा लिजार्ड जो है वो किस में आते हैं रेप्टाइल्स तो में आते हैं तो उनमें भी इनकम्प्लीट डबल मिलेगा शार्क जो है इनमें सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा फिश में आते हैं राइट फिशिज में आते हैं तो सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा और वेल जो है ये मैमल्स में आते हैं वेल जो है वो किस में आते हैं मैमल्स में आते हैं तो फिर यहां पे आपको डबल सर्कुलेशन मिलेगा यहाँ पे आपको डबल सर्कुलेशन मिलेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इफ यू सस्पेक्ट द मेजर ऑफ एंटीबॉडीज इन ए पर्सन तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज होते क्या और टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस आपको देखना है कि एंटीबॉडीज कम है तो क्या देख सकते हो आप ब्लड में तो देखो सबसे पहले अगर हम ब्लड के कॉम्पोनेंट्स की बात करें ब्लड तो के दो कॉम्पोनेंट होते हैं एक सेल्स फॉर्मड एलिमेंट्स और दूसरा इसका मैट्रिक्स आई कैन से प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो 45 परसेंट होते हैं प्लाज्मा जो होता है वो आपका 55 परसेंट होता है सेल्स में सिंपल है RBCs आ जाएंगे डब्ल्यूबीसी आ जाएंगे और प्लेटलेट्स आ जाएंगे और इनमें जो है ना देखोगे तो मेनली जो है वो 45 फाइव परसेंट आरबीसी जी होते हैं डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो बहुत ही कम होते हैं प्लाज्मा की अगर आप बात करोगे तो इसका नाइनटी टू जो होता है वो तो वोटर होता है वो तो वाटर होते हैं इसमें सिक्स टू एट परसेंट जो होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं सिक्स टू एट परसेंट क्या होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं एंड रिमेनिंग वन परसेंट में अदर्स आ जाते हैं जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स मिनरल्स वाइटमिन बाकी सब चीजें आ जाएंगी आपकी प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इसमें तीन मेजर प्रोटीन है एक है एल्ब्यूमिन एक है ग्लोबुल और एक है क्लोटिंग फैक्टर एक है आपके क्लोटिंग फैक्टर जो एल्ब्यूमिन है ये तो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से रिलेटेड है क्लोटिंग फैक्टर में आपका फाइब्रीनोजन आ जाएगा यहाँ पे आपका प्रोथ्रोम्बिन आ जाएगा ये दोनों आ जाएंगे राइट right? और ग्लोबुलिन में इसमें आते हैं आपके एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिलीन इसमें आते हैं आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जैसे कि फेरिटीन ट्रांसफेरिन और आपका सेरोलो प्लाजमिन जो कॉपर और आयरन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आते हैं एक्चुअली ग्लोबिलीन प्रोटीन जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा ये जो होते हैं ये गामा टाइप के होते हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं वो अल्फा एंड बीटा टाइप के होते हैं तो बेसिकली इन शॉर्ट आई कैन से गामा ग्लोबुलिन जो होते हैं यही क्या होते हैं आपके इम्यूनोग्लोबुलिन और आई कैन से एंटीबॉडीज तो अगर आपको देखना है कि एंटीबॉडीज कम है या ज्यादा है तो आप क्या देख लो ग्लोबिलीन को देख लो प्लाज्मा में सीरम में जो ग्लोबिलीन होते हैं वो मेजर कर लो राइट तो आपको पता चल जाएगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज की डेफिशिएंसी है या नहीं है फाइब्रिनोजन जो है ये तो आपके क्लोटिंग से रिलेटेड है एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है हीमोसाइट सेल देख के तो कोई फायदा है नहीं सीरम ग्लोबुलिन आप यहाँ पे देख सकते हो तो करेक्ट आंसर आपका होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट वी कैन सी द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डॉक्टर यूज द स्टेटोस्कोप टू हेयर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच साइकिल द सेकेंड साउंड इज हर्ड सेकेंड साउंड कब सुनाई देती है बहुत आसान है ये आपका हार्ट है यहाँ पे आपके बाइक स्पीड ट्राइक स्पीड वेल्व होते हैं और यहाँ पर जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और एरोटाइज करते हैं यहाँ पे आपके सेमिलोनार वेल्व होते हैं यहाँ पे आपके सेमिलोनार वेल्व होते हैं अगर हम कार्डियक साइकिल से इसे कंपेयर करें तो देखो आ, क्या होता है कि ये आपका एट्रियल सिस्टोल है और ये आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर जब बढ़ेगा तो बैक फ्लो हो सकता है और इसी को रोकने के लिए आपके जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व हैं ये क्लोज होंगे और जब ये क्लोज होंगे तो यहाँ पे होगी एच एस वन यहां पे सुनाई देगी आपको एच एस वन ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियो एंट्रिकुलर वेल्व और यू कैन से ट्राइक स्पीड वेल्व और यू कैन से बाइक स्पीड वेल्व और यू कैन से माइट्रल वेल्व कुछ भी बोल सकते हो इसके बाद सिस्टोल हो रहा है सिस्टोल हो रहा है यहां पे आके डायस्टोल स्टार्ट हुआ पॉइंट फोर पे डायस्टोल स्टार्ट हुआ जब डायस्टोल स्टार्ट हुआ।, हुआ तो ये पार्ट रिलैक्स करने लगा जब ये पार्ट रिलैक्स करने लगा तो यहां का प्रेशर कम होने लगा जब प्रेशर कम होता है तो यहां से बैक फ्लो हो सकता है और इसी बैक फ्लो को रोकने के लिए आपके सेमी सेमिल्यूनार वेल्व क्लोज होंगे सेमी सेमिल्यूनार वेल्व जो है वो क्लोज होंगे जब ये क्लोज होंगे तो वहां पे प्रोड्यूस होगी एच एस टू यहाँ पे प्रोड्यूस होगी एच एस टू तो एच एस टू का जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है क्लोजर ऑफ सेमी सेमिल्व देखते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व ओपन होने से तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है. किसी भी वेल्व के ओपन होने से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है वेंट्रिकुलर वेल्व वाइब्रेट ड्यू टू गशिंग ऑफ ब्लड इन टू द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल फ्रॉम द एट्रिया इन टू द वेंट्रिकल ये भी गलत है इसकी वजह से मैं आपको बता देता हूं वैसे एच एस थ्री प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से एच एस थ्री प्रोड्यूस होती है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता सेमिलुनर वेल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो इन टू द वैसल्स बिल्कुल सही है राइट तो जब ब्लड वैसल में चला गया उसके बाद सेमिलोनर वेल्व क्लोज होते हैं तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है एवी नोड रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द नोड तो इसकी वजह से भी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सिंपल सवाल है आप आराम से कर सकते हो नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज सेम एज दैट ऑफ एरोटा मोर देन द दरोटेड आर्टरी मोर देन दैट इन द दलमनरी वेन लेस देन दैट इन दीना कावा मतलब अदर आर्टरीज वेन्स वगैरह से आपको क्या करना है कंपेयर करना है इस चीज़ को राइट तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो वेन से कहीं ज्यादा होता है क्योंकि आर्टरीज में ब्लड पंप हो रहा है हार्ट जो है वो आर्टरीज में ब्लड पंप कर रहा है इसलिए आर्टरीज में प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है ठीक है दूसरा अगर आप पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक आर्टरी को कंपेयर करोगे अगर आप पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक आर्टरीज़ को अगर आप कंपेयर करोगे देखो सिस्टमिक आर्टरीज़ को ब्लड काफ़ी दूर लेके जाना है लेग्स तक लेके जाना है ब्रेन तक लेके जाना है लीवर इंटेस्टाइन स्प्लीन बहुत जगह लेके जाना है पल्मोनरी आर्टरी को सिर्फ हार्ट में ए, सिर्फ लंग्स में तो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना है तो इसलिए पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो कम होता है सिस्टमिक आर्टरीज का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है सिस्टमिक आर्टरीज़ का प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है दूसरा आप यहाँ पे देखोगे हार्ट है हार्ट से ब्लड गया लंग्स में और लंग्स से ब्लड वापिस आ गया किसमें हार्ट में तो वेन जो है वो ज्यादा दूर नहीं है बस यहां से लंग्स और फिर वापिस से वेन्स बट यहां पे आप देखो यहां से ब्लड जाएगा लेग्स तक और फिर लेग्स से धीरे धीरे ग्रेविटी के साथ जो है वापिस आएगा यहां तक तो ये जो सिस्टमिक वेन है सिस्टमिक वेन्स में प्रेशर जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है अगर आप देखोगे तो इन्फीरियर वीना कावा में सुपीरियर वीना कावा में इनमें जो है वो प्रेशर कम होगा क्योंकि आप देखो यहाँ से ऑर्गन्स तक जाएंगे कैपिलरीज तक जाएंगे फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए ये हार्ट तक पहुंचेंगे तो यहाँ तक आते आते प्रेशर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है राइट आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो गए लंग्स में लंग्स ज़्यादा दूर होता भी नहीं है थोड़े से क्विटी में होते हैं और उसके बाद में तुरंत आ गए वापस तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुपीरियर वीना कावा इन्फीरियर वीना कावा इनका जो प्रेशर होता है वो पल्मोनरी वेन से क्या होता है कम होता है पल्मोनरी वेन में प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है चलो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ब्लड लेके जाती है तो पल्मोनरी आर्टरी में जो है कम होगा इन सब में ज्यादा होगा सेम एज ऑफ एरोटा बिल्कुल गलत है एरोटा में से कंपेरिजन में कम होना चाहिए मोर देन दैट ऑफ करोटी आर्टरी नो लेस देन दैट ऑफ भी गलत होगा लास्ट ऑप्शन ले लेते हैं एक बार लेस देन देन दैट दैट ऑफ़ वीना 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 कावा, कावा, लेस इन द कावा तो वेन है और वेन में प्रेशर जो होता है वो आर्ट्री से कम होता है तो मोर देन दैट इन द वीना कावा तो ये भी आपका जो है ना गलत होगा राइट right? कम नहीं होगा ज्यादा होगा राइट right? यहां पे लेस यहां पर लेस राइट मोर देन दैट इन दलमनरी वेन पलमनरी वेन वेन में प्रेशर जो होता है वो कम होता है आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होगा मोर होगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन अगर आप सारे स्ट्रक्चर जितने भी दिए हुए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी एरोटा कैरोटेड आर्टरी पल्मोनरी वेन एंड वीना का सबको अगर कंपेयर करोगे तो सीक्वेंस क्या होगी सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होगा वो कहाँ पर होगा एरोटा में होगा एरोटा के बाद जो प्रेशर होगा वो किस में होगा कैरोटिड आर्टरी में होगा कैरोटिड आर्टरी के बाद प्रेशर जो है वो आपके पल्मोनरी आर्ट्री में होगा पल्मोनरी आर्ट्री के बाद उससे कम प्रेशर जो तो आपका पल्मोनरी वेन में होगा और पल्मोनरी वेन के बाद सबसे कम जो है वो यहाँ किस किसमें होगा वीना कावा में होगा सबसे कम किस में होगा वीना कावा में होगा तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखनी है समझ भी सकते हो आसान है जो ये दो तीन पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बोले आप उसी से ही जो है ना इस चीज़ को याद रख सकते हो चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया सबसे ज्यादा यूरिया होगा देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यूरिया जो है उसका सिंथेसिस कहां पर होता है लीवर में होता है कहां पर होता है लिवर में होता है तो देखो ये लिवर है यहां पे ब्लड आया और यहां से ब्लड गया ब्लड यहां पे आया आने के बाद इसमें यूरिया बना और यूरिया मिक्स हो गया तो अब ये जो वैसल बाहर जाएगी इसमें यूरिया बहुत ज्यादा होगा इसमें यूरिया जो है वो बहुत ज्यादा होगा जो ब्लड आता है वो किससे आता है हिपेटिक आर्टरी से या फिर हिपेटिक पोर्टल वेन से और जो ब्लड बाहर जाता है वो किससे जाता है हिपेटिक वेन से तो हिपेटिक वेन में जो है ना सबसे ज्यादा यूरिया आपको मिलेगा अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर रीनल आर्टरी में होना चाहिए रीनल आर्टरी किडनी में जाती है किडनी से यूरिया का इलिमिनेशन होता है अब मुझे एक बात बताओ आपकी जो एरोटा है एरोटा की ही ब्रांच है क्या रीनल आर्ट्री क्या यहाँ पे कोई फिल्टर लगे हुए हैं क्या कि यहाँ पे कोई फिल्टर लगा हुआ है कि यहाँ पे ज्यादा यूरिया को भेज दो भाई जितना भी हार्ट में जो ब्लड आ रहा है उसमें जो यूरिया होगा वही यूरिया तो रीनल आर्ट्री में होगा वही आपके हिपेटिक आर्ट्री में होगा वही आपके ब्रेन के लिए कैरोटेड आर्ट्री में होगा वही एरोटा में होगा जितनी भी आर्ट्रीज हैं सब में यूरिया सेम होगा ज्यादा कहां पर होगा आपके हिपेटिक वेन में क्यों क्योंकि उसमें मिक्स हुआ है उसमें मिक्स हुआ है अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूरिया मिनिमम कहाँ पे होगा सबसे कम कहाँ पर होगा बहुत आसान है कुछ लोग बोलेंगे सर हिपेटिक आल्ट्री में हिपेटिक आर्टरी में नहीं ये किडनी है किडनी में ब्लड जा रहा है रीनल आर्टरी से यूरिया एलिमिनेट हो गया जो ब्लड बाहर आएगा रीनल वेन में उसमें यूरिया कम होगा उसमें यूरिया कम होगा तो यूरिया सबसे कम मिनिमम जो होता है वो किस में होता है रीनल वेन में होता है याद रखो कहीं पे कोई चीज बनेगी तो उससे जो ब्लड बाहर आएगा उसमें वो चीज़ ज़्यादा होगी कहीं से कोई चीज़ इलिमिनेट होगी कहीं से कोई चीज़ इलिमिनेट होगी तो फिर वहां पे जो ब्लड बाहर आएगा उसमें वो चीज कम होगी तो इस तरह से आप इन चीजों को याद रख सकते हो यूरिया सबसे ज्यादा जो होता है वो हिपेटिक वेन में होता है सबसे कम जो होता है वो रीनल वेन में होता है यहां पे अगर आप देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट वी कैन सी द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कोज क्लॉटिंग डिसऑर्डर अब हमें पता है कि क्लोटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइट, लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हमें पता है प्लेटलेट्स जो होते हैं उनकी वजह से क्या होता है क्लोटिंग होती है राइट एंड दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड ब्लड लॉस को क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं अगर मान लो ये कम हुए तो क्लोटिंग भी कम होगी और क्या होगा उस केस में ब्लड लॉस होगा उस केस में क्या होगा ब्लड लॉस होगा एक्सेसिव ब्लड लॉस आई कैन से तो यहां पे सिंपल क्वेश्चन है आंसर क्या हो जाएगा रिथ्रोसाइट थ्रोम्बोसाइट्स uh, और प्लेटलेट्स एक ही बात है Thrombo uh, Erythrocyte की कमी से क्या होता है एनीमिया होता है ल्यूकोसाइट्स की कमी की वजह से क्या हो सकता है इंफेक्शन हो सकते हैं इम्यूनिटी जो है वो वीक हो सकती है और न्यूट्रोफिल की कमी से भी क्या हो सकता है इंफेक्शन हो सकते हैं इम्यूनिटी वीक हो सकती है और इसकी कमी से क्या होगा एक्सेसिव ब्लीडिंग कमी से क्या होगा एक्सेसिव ब्लीडिंग तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट वी कैन सी द क्वेश्चन नंबर 24 सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन सीरम और ब्लड में क्या क्या डिफरेंस होता है हमें पता है सीरम क्या होता है प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा में जो भी कुछ होता है वो सब कुछ होगा एक्सेप्ट क्लोटिंग फैक्टर तो सीरम में क्या क्या नहीं होता क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते यहाँ पे आर नहीं होते डब्ल्यू नहीं होते एंड प्लेटलेट्स नहीं होते इसको छोड़ के बाकी सब कुछ होता है जो भी प्लाज्मा में होता है प्रोटीन्स वगैरह सब होगा लैकिंग एंटीबॉडीज़ नो एंटीबॉडीज़ तो होंगे एंटीबॉडीज़ तो प्लाज्मा में होते हैं तो वो तो होंगे ग्लोबिलीन तो एंटीबॉडीज़ होते हैं तो वो भी होंगे एल्ब्यूमिन ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है तो ये भी आपको सीरम में मिलेगा लेकिन क्लोटिंग फैक्टर ब्लड में होगा बट सीरम में नहीं होंगे तो ये जो है ना ये एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा याद रखना है सीरम जो होता है वो क्लोट नहीं हो सकता ब्लड क्लोट हो सकता है प्लाज्मा क्लोट हो सकता है टिश्यू फ्लूड क्लोट हो सकता है आपका लिम्फ जो है वो भी क्लोट हो सकता है बट सीरम की क्लोटिंग नहीं होती है क्योंकि उसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते राइट सिंपल क्वेश्चन है आप आराम से यहां पे कर सकते हो नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अडल्ट ह्यूमन आर ई न्यूक्लिएटेड दे आर ई न्यूक्लिएटेड मतलब इनमें न्यूक्लियस एबसेंट होता है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फ्यूचर ऐसा क्यों होता है सिंपल सी बात है आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से होता है किसकी हेल्प से होता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होगा जो भी आरबीसी का काम है वो बेटर होगा अच्छे से होगा ठीक से होगा अब हीमोग्लोबिन ये आपकी डब्ल्यू है इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस है इसमें यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें यहाँ पे गोल्गी बॉडी है इसमें यहाँ पे माइटोकोड्री है इसमें यहाँ पे बाकी के सेल ऑर्गेनल्स हैं तो फिर हीमोग्लोबिन कहाँ आएगा अगर सब कुछ चीज़ इसके अंदर है तो फिर हीमोग्लोबिन के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी इसलिए आरबीसी क्या करते हैं इसको ज्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए न्यूक्लियस निकाल दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया सबको बाहर निकाल दो इसीलिए आर में ना तो न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना गोल्गी बॉडी होती है ना, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो अब इस पूरी जगह में आपको क्या मिलेगा हीमोग्लोबिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा जगह अवेलेबल होगी अगर न्यूक्लियस नहीं होता है तो ऑप्शन देखते हैं दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस क्या आर बी का काम रिप्रोडक्शन होता है क्या आर में अगर रिप्रोडक्शन हो गया तो क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा इससे तो कोई लिंक ही नहीं है मतलब आर के फंक्शन को देखो और उसके अकॉर्डिंग आप इसे को करो ऐसा नहीं सोचना है कि आर में रिप्रोडक्शन नहीं होता रिप्रोडक्शन तो न्यूरोन्स में भी नहीं होता है बट क्या न्यूरोन्स में न्यूक्लियस नहीं होता है न्यूरोन्स में न्यूक्लियस होता है राइट right. तो ये जो है ना ये रॉन्ग ऑप्शन है रिप्रोडक्शन का और यहाँ पे न्यूक्लियस ना होने का कोई लिंक नहीं है दे आर सोमेटिक सेल सोमेटिक सेल तो बहुत सारे हैं आपके जो हैं वो भी सोमेटिक सेल है राइट बट उनमें तो न्यूक्लियस होता है तो ये भी नहीं न्यूरो दे डू नॉट मेटाबोलाइज गलत है बिल्कुल आरबीसी में मेटाबोलिज्म होता है जितने भी लिविंग सेल्स हैं सभी में मेटाबॉलिज्म होता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एनसीआरटी में लिखा हुआ है कि लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म दे आर सिनोनिम्स तो हम बोल रहे हैं आरबीसी लिविंग है मतलब उनमें मेटाबॉलिज्म होता है तो ये तो गलत है देन ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली डी ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर होगा ओनली डी ऑप्शन फोर तो सिंपल क्वेश्चन था आप आराम से कर सकते थे अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू द लीवर फ्रॉम लीवर में ब्लड ड्रेन करती है कहां से तो देखो पोर्टल सिस्टम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करें तो कैसे होता है हार्ट से ब्लड जाता है कहां जाता है हार्ट से ब्लड जाता है इंटेस्टाइन में होना क्या चाहिए इंटेस्टाइन से ब्लड वापस आना चाहिए कहां पर हार्ट में बट ऐसा नहीं होता इंटेस्टाइन से पहले ब्लड जाता है कहां पर लीवर में पहले ब्लड जाता है कहां पर लीवर में एंड देन बैक टू द हार्ट राइट ये जो कनेक्शन होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक इसे हम क्या बोलते हैं पोर्टल वेन का ब्लड लीवर में जा रहा है तो क्या बोल देंगे हिपैटिक पोर्टल वेन ये जो ब्लड होता है वो कैसा होता है डी ऑक्सीजनेटेड होता है तो फिर लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल मिलेगा कहां से मिलेगा हिपैटिक आर्टरी से से से। मिलेगा? हिपेटिक से. हिपेटिक आर्टरी आर्टरी और हिपेटिकर वीना कावा से होता हुआ वापिस किसमें चला जाता है हार्ट में तो पोर्टल वेन में ब्लड जो जा रहा है वो इंटेस्टाइन से लिवर में जा रहा है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एक जगह कैपिलरी से स्टार्ट होता है कैपिलरीज़ पे खत्म होता है ऑर्गन से स्टार्ट होता है अदर देन हार्ट ऑर्गन से ख़त्म होता है अदर देन हार्ट ये जो है ये पोर्टल सिस्टम के करेक्टर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस इन ह्यूमन वी हैव अनदर पोर्टल सिस्टम दैट इज हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हाइपोफाइजियल मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें क्या होता है हाइपोथेलेमस से ब्लड किसमें जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है किसमें जाता है, किस में जाता है? ट्यूटरी ग्लैंड में जाता है मतलब हार्ट हार्ट से हाइपोथैलेमस और फिर बैक टू द हार्ट तो ये जो पोर्टल वेन होती है इसे हम बोल देते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन तो ये भी आप यहां पे याद रख सकते हो एक और पोर्टल सिस्टम होता है रीनल पोर्टल सिस्टम बट रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो ह्यूमन में एबसेंट होता है फ्रोग वगैरह में होता है फ्रोग स्नेक इन सब में होता है बट मैमल्स में ह्यूमन में ये जो पोर्टल सिस्टम है ये एबसेंट होता है ये भी आपको याद रखना है तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये आप कर लोगे आराम से क्वेश्चन हम इसका आंसर हो जाएगा इंटेस्टाइन थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट वी कैन डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन मेज द आइटम्स गिवन इन द कॉलम वन विद दोज ऑफ कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो कॉलम वन में दिया हुआ स्पीड, स्पीड, और इनकी लोकेशन दी हुई है आपको कॉलम टू में तो एक बार देख लेते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में कि ये जो वेल्व होते हैं वो कहां पर होते हैं ये आपका है राइट एट्रिया ये है आपका लेफ्ट एट्रिया ये है आपका राइट वेंट्रिकल और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच यहां पर होता है ट्राइक स्पीड वेल्व इन दोनों के बीच यहां पर होता है आपका माइट्रल वेल्व और बाइक स्पीड वेल्व यहां पर पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के साथ यहां पे ये यह दोनों जो वेल्व हैं ये होते हैं आपके कौन से सेमिल्यूनार वेल्व ये होते हैं आपके सेमिल्यूनार वेल्व देखते हैं ट्राइक स्पीड वेल्व कहां पर है राइट एट्रियल राइट वेंट्रिकल राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बाइक स्पीड वेल बिटवीन लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल बाइक स्पीड लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल तो यहाँ पे ये यह हो जाएगा आपका फर्स्ट सेमिल्यूनार वेल बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पलमनरी आर्ट्री लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा देखते हैं बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पलमनरी आर्ट्री तो ये हो जाएगा सेमिल्यूनारवेल तो ए का हो गया थ्री बी का हो गया फर्स्ट सी का हो गया सेकेंड थ्री वन टू थ्री वन टू ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा थ्री एक और आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि जो इनफीरियर वीना कावा है इसकी ओपनिंग पे यहाँ पे जो आपको वेल्व मिलता है कौन सा मिलता है ओपनिंग पे कोरोनरी साइनस जो होता है वो भी कहां पर ओपन होता है आपके राइट right एट्रियम में इसकी ओपनिंग पे जो वेल्व होता है वो कौन सा होता है थे कौन सा होता है? तो है जितने भी वेल्स हैं सबका काम एक कॉमन फंक्शन होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करना सबका एक काम होता है कॉमन फंक्शन होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करना राइट right? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री सिंपल क्वेश्चन याद रख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट मेज द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद द इन कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो तो अभी हमने ये चीज डिस्कस की थी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं फाइब्रीन है ग्लोबिलीन है एल्ब्यूमिन है इनका काम क्या होता है फाइब्रीन जो है वो ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड है तो ए का हो गया ऑप्शन टू ए का हो गया टू तो ये दो तो रूल आउट हो गए ये भी रूल आउट हो गया तो ए का टू ए ही ऑप्शन बचता है बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ग्लोबिलीन जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं और एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है ऑस्मोटिक बैलेंस में इन्वॉल्व होती है तो बी का थ्री और सी का फर्स्ट सी का फर्स्ट तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन सिंपल क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ कार्डिक आउटपुट इज फाइव लीटर कार्डिक आउटपुट गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल कितना है फाइव थाउजेंड एम एल लिख सकते हैं हम ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज हंड्रेड एम एल एंड द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 एम देखो ये आपके कार्डियक साइकिल का वही डायग्राम जो मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूं राइट ये है आपका एट्रियल सिस्टोल और ये है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखो जब भी किसी चैम्बर का डायस्टोल होता है स्पेशली वेंट्रिकल की मैं बात कर रहा हूं तो वो ब्लड रिसीव करता है क्योंकि डायस्टोल होगा वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा प्रेशर कम होगा तो ब्लड रिसीव करेगा जब भी किसी चैम्बर का वेंट्रिकल के किसी चैम्बर का सिस्टोल होगा तो वो वहाँ पर सिस्टोल होगा वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा वो ब्लड को पंप करेगा तो वो ब्लड को पंप करेगा तो ये जो पॉइंट फाइव सेकेंड है वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं ब्लड रिसीव कर रहे हैं कहाँ से एट्रिया से एट्रिया से ब्लड रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ब्लड आया ओ रहा ओ रहा ओ रहा ओ रहा एट द एंड ऑफ डायस्टोल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा ब्लड होता है कितना दिया हुआ है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हंड्रेड एम कितना दिया हुआ है हंड्रेड एम फिर जब सिस्टोल हुआ तो इन्होंने ब्लड पंप करना शुरू किया पंप किया पंप किया पंप किया एट द एंड ऑफ सिस्टोल एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है फिफ्टी एम रह गया कितना रह गया फिफ्टी एम रह गया यहाँ पे हंड्रेड एम था यहाँ तक फिफ्टी रह गया तो बाहर कितना चला गया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हंड्रेड माइनस 50, 50 एम एक बार जब बीट किया तो और इसे हम क्या बोल देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इसे हम क्या बोल देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कि एक बार जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना ब्लड पंप करते हैं आंसर इज 50 एम एल यहां पे अगर आप देखोगे तो कार्डिक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इन द हार्ट रेट कार्डिक आउटपुट फाइव थाउजेंड पर मिनट गिवन है स्ट्रोक वॉल्यूम 50 एम पर बीट गिवन है और आपको कैलकुलेट करनी है हार्ट रेट यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ट रेट कितनी आ जाएगी 5000 डिवाइडेड बाय 50 100 बीट पर मिनट 100 बीट्स पर मिनट ये आपकी हार्ट रेट आ जाएगी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आप यहाँ पे इसे कर सकते हो आराम से राइट right? नेक्स्ट वी कैन अगेन ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन इन द साइज ऑफ टी वेव राइट हमें पता है पी वेव जो होते हैं वो किसी रिप्रेजेंट करते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया तो इसका हो गया फोर्थ इसका हो गया फोर्थ ये ऑप्शन गया ये भी ऑप्शन गया देखो मैथ द कॉलम को इसी तरह से करना होता है ऑप्शन को रूल आउट करते रहो ताकि आपके पास पॉसिबिलिटीज कम होंगे काफी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब देखो यहां पे ये सेम है ये सेम है ये सेम है मैच करने की जरूरत नहीं है कंफर्म कर सकते हो एक बार बी का फर्स्ट बी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ एंट्रिकल बिल्कुल सही है सी का टू टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ एंट्रिकल रीपोलराइजेशन ऑफ एंट्रिकल तो ये भी सही है अब आपको देखना है रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं आपका फोर वन टू ये तो हो चुका है वन टू एंड फोर ये तो हो चुका है रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज नॉट सीन सी जी ये तो ईसीजी पे हमें दिखता ही नहीं है हम बात करते हैं पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव राइट तो ये तो ईसीजी पे दिखता ही नहीं है डीपोलराइजेशन एट्रिया का दिखेगा वेंट्रिकल्स का दिखेगा वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन दिखेगा बट रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज नॉट सीन ऑन ईसीजी तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता कोरोनरी स्कीमिया स्कीमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। कोरोनरी मींस हार्ट हार्ट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई जब डेफिशिएंसी हुई तो अब रिलैक्सेशन और मैं बोल सकता हूं रीपोलराइजेशन जो है ना वो बहुत धीरे धीरे होगा ये जो है वो स्लो होगा ये जो है वो स्लो होगा अब देखो रिलैक्सेशन रीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की वजह से आती है टी वेव रिपोलराइजेशन की वजह से आपको पता है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल क्या आता है टी वेव आती है बहुत स्लो हो रहा है तो नॉर्मली तो फास्ट होता है तो इसलिए ऐसे हो जाता है बट अगर ये स्लो होगा तो ऐसे हो जाएगी टी वेव बहुत ही माइल्ड एलिवेशन आपको मिलेगा या ये भी हो सकता है कि बिल्कुल फ्लैट हो जाए ये भी हो सकता है कि टी वेव जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाए तो फ्लैट टी वेव और रिडक्शन इन द साइज ऑफ़ टी वेव इज द साइन ऑफ कोरोनरी इस्कीमिया इज द साइन ऑफ कोरोनरी इस्कीमिया राइट और हम बोल सकते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया नॉट इन्फॉक्शन इन्फॉक्शन अलग होता है इन्फॉक्शन में सेल्स की डेथ हो जाती है अभी तक सिर्फ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है यहाँ पे सेल्स की डेथ नहीं हुई है बट अगर सेल्स की डेथ होती है तो उसे हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फॉक्शन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया की दोनों अलग अलग चीज़ें राइट right? तो इसमें क्या होता है टी वेव के साइज में रिडक्शन होता है तो यहां पे फोर्थ का हो जाएगा थ्री तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका होगा थर्ड ऑप्शन राइट तो आई होप आज का लेक्चर सभी को समझ आया होगा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे डिस्कस हुए कार्डियक साइकिल हमने डिस्कस की ईसीजी हमने डिस्कस की हार्ट के स्ट्रक्चर सर्कुलेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया ब्लड ग्रुप डिस्कस हुए राइट right? काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो है डिजीज भी इवन हमने डिस्कस की यहाँ पे राइट right? तो आई होप लेक्चर जो है वो आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा राइट थैंक यू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो